हेलो दोस्तों, आज हम आपको वोकैब पढ़ाएंगे जो कि रूट वर्ड के थ्रू पढ़ाएंगे। वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कौन सा भी एग्जाम दो वोकैब जरूर आती है। और वोकैब बच्चे याद करते हैं भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा तरीका आज हम आपको बताएंगे जिसके थ्रू आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। और मैं वो वर्ड लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेरे खुद के द्वारा बनाए गए वर्ड्स हैं, ये कहीं आपको नहीं मिलेंगे। हम आज आप देखते हैं पैड, पैड मींस होता है फुट, पैड मींस फुट। और पैड से रिलेटेड जितने भी वर्ड आएंगे उनका सीधा सा सीधा संबंध होगा पैर से, चाहे पैडल हो, जो हमारे साइकिल में पैडल होता है इसका मतलब ए लीवर पुश्ड बाय द फुट, जो पैरों के द्वारा लीवर पुश किया जाता है उसे पैडल कहते हैं। तो नॉर्मल वर्ड है ये, पता है, लेकिन ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये वर्ड आ चुका है। पैडोमीटर, पैड में होता है फुट और मीटर में मीजर करना, नापने वाला। तो ऐसा डिवाइस जो कि डिस्टेंस को नापता है, जितने भी हमने पैदल चले हैं उसने डिस्टेंस को नापने वाले डिवाइस को पैडोमीटर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एक ये भी वर्ड है पेडिक्योर, पेडिक्योर मतलब क्योर में सजाना, एक ऐसी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जो पैर और पैर को दी जाती है, मतलब उसे पेडिक्योर कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई सारे एग्जाम्स में आ चुका। और ये वर्ड तो हर ईयर दो तीन बार किसी न किसी एग्जाम में आता है, पेडेस्ट्रियन, वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है उसको पेडेस्ट्रियन बोला जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका ये वर्ड, पैड से मिलकर बना है। इस तरह से हम आपको सिखा रहे हैं जो कि भूलने का कोई चांस नहीं है। एक है पेडोमेंसी, ये भी वर्ड आ चुका। पैड मींस क्या होता है फुट, मेंसी का देखते हैं, डेविनेशन बाय द एग्जामिनिंग द सोल्स ऑन फुट, पैदल के द्वारा मतलब तलवे के द्वारा जो एग्जामिनेशन होती है पैदल के तलवों की, उसको हम पेडोमेंसी कहते हैं। दोस्तों दूसरा है पार्ट पुर, पुर में से होता है क्लीन, ये तो बहुत सारे एग्जाम्स में इसका भी वर्ड आ चुका है। पुर में क्लीन या साफ करना या हटाना, दो सेंस में ये आता है। पहला वर्ड है पर्ज, PURGE, पर्ज में से होता है रिमूवल ऑफ एनी थिंग अनडिजायरेबल, जिस चीज़ को हम नहीं चाह रहे हैं वो चीज़ हट जाना, इसको पर्ज कहते हैं। ये भी कई सारे एग्जाम्स में ये वर्ड आ चुका है। दूसरा वर्ड है परगेटरी, ये ज़्यादातर रोमन में यूज होता है। परगेटरी हमारे यहाँ पर भी रोमन ही इंग्लिश है, हम इंग्लिश जो बोलते हैं वो रोमन इंग्लिश है, उसी के थ्रू ये वर्ड आया परगेटरी। परगेटरी वर्ड का मतलब है वेयर सोल्स मस्ट क्लीन फ्रॉम सिंस, जहाँ पापों से जो आत्मा धोई जाती है उसे परगेटरी बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो ये बोलते हैं गंगा में नहाने से धोई जाती है, उसी तरह से परगेटरी एक प्रोसेस होती है, वहाँ पर धोई जाती है, इसके थ्रू ये पर आया है। यहाँ पर थर्ड वर्ड है एग्ज परगेट, एग्ज मींस तो पता होगा हटाना, पर मींस क्लीन करना, गेट मतलब रिमूवल ए पार्ट फ्रॉम समथिंग, किसी भी चीज़ से एक पार्ट हटा देना, उसको एग्ज परगेट बोलते हैं किसी भी चीज़ से। ये वर्ड बहुत सारे एग्जाम। फोर्थ वर्ड है परगेटिव, परगेटिव पर में से होता है क्लीन करना, और गेटिव का अलग ही मीन्स है, मतलब ए मेडिसिन, एक ऐसी दवाई जो दैट पर्स, मतलब वो हमारी ना चाहने वाली चीज़ों को हटा दे, हमारी बीमारियों को हटा दे, उसे परगेटिव बोलते हैं। ये चार वर्ड हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, लेकिन हमने वही वर्ड बनाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे खुद के द्वारा बनाए गए। कॉर्प में से होता है बॉडी या ग्रुप, ग्रुप या फिर बॉडी को दर्शाता है, मतलब बहुत सारे ग्रुप को, ये वर्ड कहीं नहीं आपको मिलेगा। कॉर्प बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, हमने एक पहला इससे वर्ड बनाया कॉर्प्स, कॉर्प ये रूट वर्ड है और एस ई इसमें जुड़ गया, मतलब एक पूरी बॉडी, डेड बॉडी को कॉर्प्स बोलते हैं। ये आपको बहुत सारी वर्ड आपने डटा होगा, लेकिन ये अब आप कभी नहीं भूलेंगे। रूट वर्ड से याद करने का यही बेस्ट तरीका है, आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। इस तरह से हजारों वर्ड, सभी वर्ड लगभग रूट से बन जाएंगे, कुछ वर्ड जो नहीं बनते वो ऑप्शन से ही हिट हो जाएंगे। हम इसमें सेकेंड वर्ड देखते हैं कॉर्पोरेट, मतलब कॉर्प में क्या होता है ग्रुप या बॉडी, और रेट में समूह, एक ऐसा समूह पर्टेनिंग टू ए यूनाइटेड ग्रुप, मतलब जो ज्वाइंट कर रहा हो यूनाइटेड ग्रुप हो, उसे कॉर्पोरेट बोलते हैं, किसी भी चीज़ का कॉर्पोरेशन होना, कॉर्पोरेट होना। फोर्थ वर्ड है कॉर्पुलेंट, कॉर्प में से होता है बॉडी या फिर ग्रुप, बॉडी मतलब एक ऐसी ग्रुप, बहुत सारी बॉडी जिसके बन चुकी है, मोटा भारी के लिए हम यूज करते हैं, लार्ज और बल्की ऑफ बॉडी, जब मोटी मोटी हो जाती है तो कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का सिनोनिम हो जाएगा चबी, मतलब मोटापा, वो मोटा व्यक्ति के लिए हम कॉर्पुलेंट यूज किया करते हैं। ये कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। हम फोर्थ वर्ड देखते हैं कॉर्पोरल, कॉर्पोरल आपने शुरुआती क्लास में भी सुना होगा, शारीरिक मतलब फिजिकल से रिलेटेड है, पर्टेनिंग टू द बॉडी, बॉडी से रिलेटेड को कॉर्पोरल बोलते हैं, कॉर्पोरल। और फोर्थ वर्ड ये आपने सुना होगा कई बार कॉर्पोरेशन, जब हम वाहन निगम वगैरह से जाते, कॉर्पोरेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ द, किसी भी एक बॉडी के द्वारा चलाया जाने वाला एक अपना आदेश दे और उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें चलें तो उसे कॉर्पोरेशन बोलते हैं, कॉर्पोरेशन ऑफ बस, कॉर्पोरेशन ऑफ कार, इस तरह से बोलते हैं। हमने आपको आज तीन रूट वर्ड पढ़ाए, तीन, और उसमें तीनों रूट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूनिक है, अलग, और हमने जो रटे रटाए रूट वर्ड हैं वो नहीं बताए हैं, और आप ये जरूर बताएं ये कैसे लगे। इसी तरह से रूट वर्ड से और भी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे द्वारा हर एक अलग ही रूट वर्ड होता है, ये सब मेरे खुद के द्वारा बनाए गए हैं, और कैसे लगे आप जरूर बताएं। चैनल को शेयर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।